सांगोज सेक्टर में इन दिनों कोटा बूंदी सांसद ओम बिरला और सांगोज विधायक हीरालाल नागर सांगोज पंचायत समिति की विभिन्न ग्राम पंचायतों के गांवों में ग्राम चौपालों के माध्यम से सेक्टर वासियों की समस्या सुन रहे हैं और गांवों में कई कार्यों का लोकार्पण कर रहे हैं। इस दौरान कई जगह उनका स्वागत होता है तो कई जगह लोग उनसे शिकायत करते नजर आते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3 वर्ष के अंदर देश के गांवों की तस्वीर और तकदीर बदली है। सरकार किसानों को समृद्धशील बनाने के लिए, खेती और मजदूर को बंद करने के लिए, नौजवान को स्किल डेवलपमेंट के साथ रोजगार से जोड़ने के लिए, महिलाओं को आत्मसंबल बनाने के लिए केंद्र सरकार की योजनाएं और राज्य सरकार की योजनाएं आम व्यक्ति तक पहुंचाकर उस योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति का कल्याण करना। पंडित दीनदयाल जी ने समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण का राह में दिखाई है और भारतीय जनता पार्टी के हम सब लोग समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर, हर गांव के अंदर पहुंचकर, हर बूथ पर पहुंचकर समाज के अंतिम व्यक्ति का कैसे कल्याण किया जा सकता है, कैसे सामाजिक योजनाओं का लाभ उस तक पहुंचे, कैसे गांव का विकास हो, गांव को स्मार्ट गांव बनाए, तमाम सुविधाएं हो उसमें, उसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक मिले, इसके लिए निश्चित रूप से 43 गांवों का अभी तक हमने दौरा किया है और इसके माध्यम से, सरकार की योजनाओं के माध्यम से, हम समाज के अंतिम व्यक्ति का कल्याण करना चाहते हैं। इस 1 वर्ष के अंदर संसदीय क्षेत्र के हर गांव में पहुंचेंगे और गांव में पहुंचकर हर गांव में पिछले 5 साल के अंदर जो काम हुए हैं कांग्रेस के शासन में, उससे डबल काम कराकर हम जनता के बीच में वोट मांगने आएंगे। सांगोद विधानसभा में हमारे विधायक हीरालाल जी के नेतृत्व में हमने लक्ष्य बनाया कि हर गांव के अंदर कांग्रेस के मंत्री से डबल काम करने के बाद लोगों से वोट मांगेंगे। अगर हमने डबल वोट नहीं दिया तो हमने अपील करेंगे कि हमें वोट नहीं दे, और अगर डबल वोट दिए तो निश्चित रूप से जनता हमारा प्यार और समर्थन करें। ये हमने सांगोद विधानसभा लक्ष्य बनाया, हर गांव के अंदर कितने विकास के काम कांग्रेस के शासन, उससे डबल काम और 2-3 गांव को कैसे कर सकते हैं, इस दिशा की ओर काम कर रहे हैं। हम उन मुद्दों का विरोध नहीं करते कि गांधी जी की मूर्ति कहाँ लगना चाहिए और किस पर लगनी चाहिए। गांधी जी की मूर्ति हो, चाहे कॉलेज हो, चाहे डिस्पेंसरी हो, ये व्यक्तिगत रूप से अहंकार के मुद्दे हैं। इससे किसान का कल्याण नहीं होने वाला, गरीब का कल्याण नहीं होने वाला, और इसीलिए गांधी जी की मूर्ति का चौराहा भी 2-3 बन गया, कॉलेज भी चल रहा है, डिस्पेंसरी खुलेगी तो आमजन को लाभ मिलेगा। लेकिन अच्छा हो, सरकार में वो मंत्री नहीं रहे, विधायक नहीं रहे, तो उनको अच्छा है, जनता के मुद्दे उठाने चाहिए, समाज के किसान के मुद्दे उठाने चाहिए, और अकावत का बांध भी बहुत जल्दी निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा और अकावत के बांध से के माध्यम से इस 43 गांवों के अंदर किसान खेत तक पानी पहुंचने का रास्ता साफ हुआ है, जिससे निश्चित रूप से ये सारा इलाका समृद्धशील और खुशहाल होगा।